वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सदस्य एम एल हाई स्कूल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर फाइन डियर स्टूडेंट्स टुडे आई विल टेक ए क्लास ऑन इंग्लिश सेकेंड पावर प्रिय अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी आज तुम्हारा इंग्रेजी द्वितीय पत्र एक क्लास देव प्रिवियस क्लासे तुम्हारे नेशन नहीं आलोचना कर तुम्हारे अष्टम श्रेणी जी एस सी परीक्षार जो खूब गुरुत्वपूर्ण यहाँ सम्पूर्ण नतून एक लेसन सिक्स एवं सेवेने ये नेशन नहीं आलोचना करनी प्रिवियस लेसन छो ना ये टोटाली नतून एवं जे एस सी परीक्षा इवें एस एस सी परीक्षार जो एट गुरुत्वपूर्ण एक सेक्शन प्रिवियस नेशन की नेशन मैं उक्ति नेशन संज्ञा प्रकार बेस डायरेक्ट नेशन इनडायरेक्ट नेशन और नेशन डायरेक्ट नेशन दो अंश रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच एगुलो नहीं आलोचना करेछि नेशन करार्जन कौन विषय प्रति गुरुत्व दीते वोटी आलोचना करेछि नेशन करते हम प्रथम सबजेक्टगुलो निर्णय करते हैं पार्सन निर्णय करते हैं टेंस निर्णय करते हैं वर्बेर परिवर्तन करते हैं ये विषयगुलो गत क्लासे आलोचना करेछि आज आमी तुम्हारे क्यों डायरेक्ट नेशन थेके इनडायरेक्ट करते हैं पार्सन परिवर्तन करार नहीं आलोचना करब अर्थात रिपोर्टेड स्पीचे जदि फार्स्ट पार्सन थे फार्स्ट पार्सन आई एवं उ रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट अनुजाई पार्सन परिवर्तन करा अर्थात डायरेक्ट नेशने जो रिपोर्टेड स्पीचे फार्स्ट पार्सन थे तो क्यों परिवर्तन हो पार्सने तई आलोचना करब अर्थात एखे हमें लक्ष्य करते रूल वाने फार्स्ट पार्सन बोलते आई उ जदि थे तो रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट अनुसार पार्सन परिवर्तन कर अर्थात सबजेक्ट हेयर उ सी एन एक्साम्पल एक्साम्पल के फलो करब हि सेड टू मी से बलो आई एम इन असुस्थ अर्थात क्यों असुस्थ आई एम इन एट रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीचे सबजेक्ट हमारे फार्स्ट पार्सन आई आई बोलते एखे बोझा रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट के अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जो फार्स्ट पार्सन थे सबजेक्ट तो इंडायरेक्ट करते हम रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट अनुसार पार्सन परिवर्तन करा हो क्यों देखी हमें हि सेड टू जगह एसआरटी सेंटेंसे टोल यूज करब जेहतु रिपोर्टिंग वर्ब एसआरटी सेंटेंस एन सेड टू क्षेत्र में कि टोल यूज करब टोल हि टोल मी एसआरटी सेंटेंसे हमें जुग करते कि लिखबे डेट डेट यूज करब रिपोर्टिंग वर्ब कि सबजेक्ट फार्स्ट पार्सन रिपोर्टिंग स्पीचे रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट थर्ड पार्सन और रिपोर्टिंग स्पीच सबजेक्ट फार्स्ट पार्सन अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट फार्स्ट पार्सन थे सबजेक्ट आई हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट हि तारपर आमरा टेंस परिवर्तन करब नॉर्मली नियम हच्छे कि रिपोर्टिंग स्पीचे फार्स्ट पार्सन पास टेंस थे तो रिपोर्टिंग स्पीचे टेंस तो बार्ट परिवर्तन नेक्स्ट हमें परवर्ती क्लैसे बार परिवर्तन नियमगुलि देखो तो विस्तारित बुझते पर आई एम इन एम बोलते हमें एम टस के बारे प्रेजेंट फॉर एम एर पास वज हि वज इल ये इनडायरेक्ट नेशन इन डायरेक्ट नेशन रेस्टुरेंट तुम लक्ष्य करो जो एस आर डी सेंटेंस क्यों पार्सन परिवर्तन नियम तो देखल फार्ष्ट पार्सन थे रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट अर्थात आई हुए गेसे हि पास बार परिवर्तन वाज इल अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो फार्ष्ट पार्सन थे थार्ड पार्सन थे रिपोर्टिंग स्पीचे फार्ष्ट पार्सन थे रिपोर्टिंग वर्ब सबजेक्ट अनुजाई पार्सन परिवर्तन करा एखन आमरा किभाबे रिपोर्टिंग स्पीचे जदि सेकेंड पार्सन थे तो रिपोर्टिंग वर्ब अबजेक्ट अनुसार पार्सन परिवर्तन तर आलोचना करब रूल टू रूल टू रिपोर्टेड स्पीच ए सेकेंड पर्सन अर्थात सेकेंड पर्सन बोलते हमें यू बुझे यू थे ये
verbal object অনুসারে person পরিবর্তন করা হয়, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিসের সেকেন্ড পার্সন থাকবে। সেকেন্ড পার্সন বলতে আমরা ইউকে বুঝি, ইউ সিঙ্গুলার ইউ প্লুরাল একই ইউ থাকলে আমরা রিপোর্টিং বারবের অবজেক্ট অনুসারে পার্সন পরিবর্তন করব। এখন আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখব। সে আমাকে বলল আমি তোমাকে সাহায্য করব, আই শেল হেল ইউ। হ্যাঁ, রিপোর্টিং বার হচ্ছে হি সেড টু মি, আর রিপোর্টিং স্পেস হচ্ছে গিয়া আমাদের আই শেল হেল্প ইউ। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টিং বারের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন, অবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন, রিপোর্টেড স্পিসের সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন, অবজেক্ট সেকেন্ড পার্সন। এখন আমরা কীভাবে পার্সনটা পরিবর্তন করব তাই দেখাবো। যে হি হি সেট টু দেখো আমরা কী ব্যবস্থা কী ব্যবহার করবো, অ্যাস এজ এ টোল্ড, হি টোল্ড মি, আমাদের লিঙ্কার হবে দ্যাট হি সেট টোল্ড মি দ্যাট। আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন, ফার্স্ট পার্সন থাকলে আমাদের সাবজেক্ট এবং সেকেন্ড পার্সন থাকলে অবজেক্ট। দেখো সেকেন্ড পার্সন আই শেল হেল্প ইউ, তো ইউটা হচ্ছে কী আমাদের অবজেক্ট। তো লক্ষ্য করো আইটা হবে কি সাবজেক্ট, তো হি হি উড, হিয়ার সাথে আমরা শেল মানে আমাদের শেলের পাস্ট ফর্ম হবে শুড, এখন হিয়ার সাথে উইল উড, হি উড হেল্প। দেখো এখন আমাদের সেকেন্ড পার্সন, ইউটা কোন পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, সেকেন্ড পার্সন থাকলে আমরা অবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের পার্সন পরিবর্তন হবে। তো আমরা এখন রিপোর্টের স্পিসে কী আছে যে অবজেক্টটা কি মি, মি অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন, অর্থাৎ মিটা অনুযায়ী হবে হি শুড হেল্প মি, হেল্প মি, হি উড হেল্প মি। এখানে আমরা দুইটা পার্সনই লক্ষ্য করতেছি, যে ফার্স্ট পার্সন থাকলে সাবজেক্ট এবং সেকেন্ড পার্সন থাকলে অবজেক্ট দিকে কীভাবে পার্সন পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পিসে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে রিপোর্টিং বারবের অবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের পার্সন পরিবর্তন করা হয়। এখন আমরা দেখব কীভাবে থার্ড পার্সন থাকলে পার্সন পরিবর্তন করা হয়। রিপোর্টের স্পিচ এ থার্ড পার্সন পার্সন অর্থাৎ হি সি ইট দে, থার্ড পার্সন হি সি ইট দে থাকলে পার্সন এর কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন হয় না। রিপোর্টের স্পিসে থার্ড পার্সন, থার্ড পার্সনগুলো কি আমরা নর্মালি বুঝি হি সি ইট দে বা কারো নাম হতে পারে, এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন। অর্থাৎ থার্ড পার্সন থাকলে আমাদের রিপোর্টের স্পিসে ইনডাইরেক্ট করতে হলে কোনো পার্সনের পরিবর্তন হবে না, থার্ড পার্সন থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না। হি সেড টু মি, সে আমাকে বলল, হি সেড টু মি আমাকে বলল
रीना देखो लक्ष्य करो हि सेड टू मी से आमाके बोलो रीना सिंग्स ए सॉन्ग रीना एक गान गा देखो यार रीना हे क्या थार्ड पार्सन कारो नाम अर्थात थार्ड पार्सन हमें रिपोर्टिंग इंडिया करार समय पार्सन को परिवर्तन है ना एख लक्ष्य करो हि सेड टू तो हमें कि देव टोल्ड मी दैट रीना हे थार्ड पार्सन अर्थात थार्ड पार्सन थे रिपोर्टिंग बार स्पीचे रिपोर्टिंग पार्सने को परिवर्तन है ना रीना रीत नाम यह कैपिटल लेटर यूज कर रीना तो सिंग्स ए सॉन्ग थार्ड पार्सन सिंगुलर नाम बार बार साथ एस बी एस जो हो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस किंतु प्रेजेंट इंडिपेंडेंस अर्थात प्रेजेंट फॉर्म थे पास्ट फॉर्म यूज करते हो रीना सिंग ए सॉन्ग तो रीना एक गान गल हि सेड टू मी रीना सिंग्स ए सॉन्ग आमरा इनडायरेक्ट कर लम कि जे डायरेक्ट आमरा इनडायरेक्ट कि यूज कर लम जे हि टोल्ड मी सब्जेक्ट थार्ड पार्सन एर जन कोनो परिवर्तन हय ना रीना रीने आमादेर शुधु वार्बटा परिवर्तन करते हयेछे डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा आज के क्यों पार्सन परिवर्तन कर नेरेशने शिखते पे प्रिवियस क्लास नेरेशने जो नियमगुल्लो आलोचना कर आज के नियमगुल्लो आलोचना यह नियमगुलि तुम्हारा धारावाहिक भाषा अनुजाई प्रैक्टिस कर चर्चा करो बस बस एग्जाम्पल तुम्हारा लक्ष्य कर आगामी क्लस तुम्हारा क्यों बार परिवर्तन करा नेरेशने देख ओके डियर स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉयिंग माई क्लास।